गाइज वेलकम अगेन माय चैनल रॉक पीके ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम माता रानी के द्वार में गए हैं और माता रानी के दर्शन प्राप्त हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ चंद्रिका देवी मंदिर गया था मैं और ये लखनऊ में स्थित माँ चंद्रिका देवी मंदिर, अगर आप बीकेटी से जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। अप्रोक्स सिर्फ आने और जाने का 40 रुपीज़ खर्चा, और अगर आप लखनऊ स्टेशन चारबाग से आ रहे हैं तो किस तरह आ सकते हैं, सारा कुछ लोकेशन और जो भी एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। अगर कोई मरिया में रहता है तो बीकेटी आके और एयरफोर्स से आगे आप देख सकते हैं, बड़ी सी गेट है, सब कुछ ब्लॉग में दिखाया गया है कितना भाड़ा है क्या है नहीं कुछ। और आइए दर्शन करते हैं माता रानी का। सभी को मैं चाहता हूँ सौभाग्य प्राप्त हो माता रानी के दर्शन करने का। बहुत ही पुराना मंदिर है, 300-400 साल पुराना। मैंने पंडा जी से भी बात किया था, पुरानी मंदिर है बहुत और मेले भी लगते हैं। अभी तो कुछ आप आराम से दर्शन कर सकते हैं अगर आप अभी जा रहे हैं तो, जब मेले में जाएंगे तो बहुत सारी भीड़ रहती है। COVID-19 के बाद से खुली है मंदिर तो उसके बाद अभी बहुत कम भीड़ है, और मेले मूले में तो बहुत, और रुकने उकने का भी वहाँ अच्छा सा व्यवस्था है। सब कुछ मैंने कवर किया है A to Z, आप किस तरह जा सकते हैं, क्या कैसे प्रसाद लेना है क्या नहीं चढ़ा सकते, सब कुछ कवर किया है मैंने। तो आइए और देखिए हमारे इस ब्लॉग को। तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और प्रेम से बोलो जय माता दी। अभी हम तीनों लड़के निकले हैं रूम से जस्ट बाहर, बीकेटी है ये, बीकेटी के तरफ इधर एयरफोर्स पड़ता है BNCT के उल्टे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं चंद्रिका देवी मंदिर और रास्ते दर्शन करने के लिए, और रास्ते में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह जाते हैं, रास्ता क्या है, उसका रूट क्या है। मंदिर काफ़ी, ये भाई गए हुए हैं एक बार, हम दोनों पहली बार जा रहे हैं, मैं और मिश्रा जा रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाऊँगा कि क्या कुछ है वहाँ। बीकेटी से आगे एयरपोर्ट से भी आगे पहुँचने यहाँ चंद्रिका देवी मंदिर गेट, ये गेट है ऊपर पीछे आपको दिख रहा होगा, यहीं से हम लोग ऑटो लेंगे और डायरेक्ट वहाँ मंदिर तक जाएंगे। देखता हूँ कितना किराया है क्या कुछ है, सब कुछ बताऊँगा पूरा रूट। ये चंद्रिका देवी मंदिर का फर्स्ट गेट है, एंट्री गेट, ये भी काफ़ी देख रहे होंगे भव्य गेट है, माता के रानी का पहला द्वार, और इसके अंदर से ही हमें ऑटो मिलेगी। अभी हम लोग गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक ऑटो मिली है जो चंद्रिका देवी माता के द्वार में डायरेक्ट जाएगी, और यहाँ से 20 रुपये किराया है चंद्रिका देवी मंदिर जाने का। पीछे सारे ऑटो बढ़ेंगे तब यहाँ से खुलेगी ऑटो माता के द्वार के लिए। अभी हम लोग उतर चुके हैं टेम्पू से, वहाँ से क्या कहता है, जो मैंने बताया था बीकेटी से हम लोगों ने टेम्पू पकड़ा था, 20-20 रुपये लिया है तीनों आदमी का, 60 रुपये। और ये अभी हम दूसरे गेट पे उतरे हैं और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और फिर दिखाएंगे कि और मंदिर के अंदर क्या कुछ है क्या नहीं। ये दूसरी गेट है चंद्रिका देवी मंदिर की, और इसके अंदर जस्ट सामने हम लोग ऑटो से आए थे, उतर चुके हैं ऑटो से और अंदर जाएंगे चंद्रिका देवी माता के मंदिर में। बहुत ही माता के द्वार का बहुत ही शांत एवं सुंदर वातावरण है, और सामने ये बोर्ड दिख रहा होगा चंद्रिका देवी मंदिर, और इस तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं तीसरे गेट की तरफ, और इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, और बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण है माता के द्वार का। आप लोग दर्शन करने एक बार ज़रूर आए। ये तीसरी गेट है माता रानी का, गेट के जस्ट अंदर आपको ये होटल वगैरह मिल जाएंगे, अगर कुछ आप जलपान करना चाहते हैं दर्शन के बाद तो ये होटल्स वगैरह हैं, आप इसमें दर्शन उर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं।
होटल वगैरह काफ़ी सुंदर है। और इस रास्ते में आपको जैसे मिलता है खिलौने उलाने की दुकान, सब कुछ है। और आगे फिर दिखाते हैं क्या है। अभी हम लोग आगे रास्ते से बढ़े हैं तो ये सामने हनुमान मंदिर दिख रहा है और इसके जस्ट बगल में ये सब दुकान है। हनुमान मंदिर को प्रसाद चढ़ा सकते हैं उसके लिए। ये मंदिर है हनुमान जी की, काफ़ी सुंदर मंदिर है। श्री पंचमुखी हनुमान गद्दी, काफ़ी सुंदर द्वार है। जय श्री राम। जय 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 बजरंग बली। काफ़ी शांत सुंदर मंदिर है। एक बार मैं बोलूँगा आप लोग जरूर अगर रह रहे हैं यहाँ पे BNCT या किसी कॉलेज में तो आए, ये देख सकते हैं हनुमान जी के हमारे साड़ी सुरेंद्र महाराज को। और इस तरफ ये फोटो वोटो माता रानी का, श्री कृष्ण भगवान का। ये मंदिर के चारों तरफ का मैं दिखा रहा हूँ, मंदिर मैंने दिखाया, काफ़ी सुंदर है। लोग एक बार दर्शन को जरूर आए माँ चंद्रिका देवी के और श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए। अभी हम लोग काफ़ी सुबह आए हैं माता के द्वार में, इसलिए बहुत सारी दुकानें बंद भी है। इधर नाश्ता वास्ता का देख सकते हैं दुकान है, काफ़ी सुंदर। माता के दर्शन के बाद आप कुछ नाश्ता वास्ता कर सकते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं अगर प्रसाद वर्सन या कुछ वैसा टॉयज वगैरह कुछ भी। दुकान तो वैसे जहाँ भी दर्शन करने जाओ ये सब दुकानें मिलती हैं। सामने में माता का द्वार हम पहुंच चुके हैं आखिरी द्वार पे और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये माता का द्वार बहुत सुंदर। अभी हम लोग माता के मेन द्वार पहुंच चुके हैं, अंदर होगा द्वार। और हम दोनों दोस्त ने क्या कहता है प्रसाद लिया, आप भी आए तो उन समय हो जाता है ऐसे 151 251 जितना का ले सकते हैं। हम लोग 21 रुपये का प्रसाद लिए हैं, एक चुंदरी दिया है और थोड़े से फूल दिए हैं और एक पत्ती दिया है, तो 21 रुपये में भी काम। जो स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो 21 रुपये का प्रसाद चढ़ा दीजिए माता के द्वार में। और जाते समय पेड़े खरीद सकते हैं आप, 21 रुपये का पेड़ा खरीद लो और घर चले जाओ। और आइए अंदर और दिखाते हैं। ये माता का काफ़ी भव्य द्वार, बहुत ही अच्छा है। आप लोग एक बार दर्शन को जरूर आए, ये देख सकते हैं चारों तरफ। अभी तो भीड़ नहीं है, भीड़ होती होगी काफ़ी, इसलिए लगाया गया इतना ज़्यादा व्यवस्था। भीड़ अभी बहुत कम है माता के द्वार में, भीड़ काफ़ी लगती है। काफ़ी पुरानी मंदिर भी है। और ये सामने बोर्ड, हेल्प डेस्क कोविड यूनिट्स के लिए है। और सामने माता का मंदिर है। तो मुख्य द्वार में हम चुके हैं। काफी सुंदर द्वार है माता रानी का।
पंडित जी बैठे हैं। अब आगे हमें लगता है मोबाइल अलाउ नहीं होगा। देख सकते हैं माता रानी का बाहर का नजारा। माता के दर्शन के बाद वे हम लोग इस तरफ आए हैं, भोले दानी बाबा भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। और इस तरफ मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ। ये मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो इधर काली माता का दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी भव्य मेला लगता है। और ये सामने आपको दिख रहा होगा शक्तिपीठ यात्री विश्राम गृह। अगर कोई यात्री आते हैं विश्राम विश्राम करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप विश्राम कर सकते हैं। ये विश्राम गृह है, मंदिर के जस्ट बाहर है। और उस तरफ मैंने दिखाया था हवन कुंड हो रहा है सामने, उसके सामने माता का मंदिर है और बाहर में हनुमान द्वार था। इस हवन कुंड है, यहाँ पे आप धागा होगा बाबा जी बांध रहे हैं, बांध सकते हैं और हवन पूजा पाठ भी करवाया जा रहा है। देवी माता की जय। काफी सुंदर द्वार है माता का दर्शन। और हम लोग पूरा हो चुका है माता का दर्शन, मैंने दिखाया तो अभी भीड़ बहुत कम है इसलिए हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाए। मेले उले भी लगते हैं, जब भी आप आए तो थोड़ा अगर कम भीड़ में आप आते हैं तो माता का दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। माता के जय। हम सभी लोग दोस्त अभी चंद्रिका में आए हैं, घर जा रहे हैं। अब हम लोग चंद्रिका देवी माता के मंदिर से अपने हॉस्टल की तरफ फिर से आ चुके हैं। अब हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं क्योंकि 9 से पेपर है सबका। एक बार जोर से बोल दो चंद्रिका देवी माता की जय।